क्या आपने कभी सोचा है कि इस वेस्ट कार्टन बॉक्स को यूज करके आप एक यूनिक होम डेकोर बना सकते हैं जो कि शायद आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक एंटीक बुक फ्लावर वास विद सम न्यू टेक्निक्स एंड यूनिक डिजाइन। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और देखने के बाद कॉमेंट्स करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये बुक फ्लावर वास बनाने का आइडिया कैसा लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं यूज करूंगी इस वेस्ट कार्टन बॉक्स का। इस तरह का कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स आप यहां पर यूज कर सकते हैं। अब एक साइड से इसके चारों फ्लैप्स को मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर उन्हें यहां पर स्टेपल कर दिया है। अब हम बनाएंगे बुक का हार्ड कवर। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूं इस कार्डबोर्ड पीस का। ये थोड़ा थिक कार्डबोर्ड पीस है और इसे मैंने बॉक्स की साइज से थोड़ा सा बड़ा ऑलरेडी कट किया हुआ है। बॉक्स की साइड्स में थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़कर इसे बुक शेप में फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर इस पेपर कटर की हेल्प से यहाँ पर हम इसे लाइटली कट करेंगे। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कार्डबोर्ड को पूरा कट नहीं करना है, कट सिर्फ कार्डबोर्ड की ऊपर वाली लेयर पे आना चाहिए ताकि हम इसे अच्छे से फोल्ड कर सकें। इसके बैक साइड पे कोई भी कट मार्क्स नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से दोनों फोल्ड्स पर यहाँ पर हम कट लगाएंगे और फिर कार्डबोर्ड को बुक शेप में फोल्ड करेंगे। और यहाँ आप देखेंगे कि चारों साइड्स पर यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ा हुआ है। अब इस मास्किंग टेप को मैं लगाऊंगी कार्डबोर्ड की सभी साइड्स पर ताकि कार्डबोर्ड की जो ये रफ एजेस दिख रही हैं वो हाइड हो जाएं। तो अब बुक का जो हार्ड कवर होता है वो रेडी हो गया है और अब हम हमारे बॉक्स को इस पर स्टिक करेंगे। इसे स्टिक करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू, तो आप यहाँ पर हॉट ग्लू गन का यूज कर सकते हैं। इससे ये बहुत जल्दी स्टिक होता है और काफी स्ट्रॉन्ग भी रहता है। आपको यहाँ पे अच्छे से ग्लू लगाना है। ग्लू लगाने में आप यहाँ पे कंजूसी मत कीजिएगा, अदरवाइज ये अच्छे से स्टिक नहीं होगा। स्टिक करने के बाद इसे थोड़ी देर आप प्रेस कीजिए ताकि जो हॉट ग्लू है वो हार्ड हो जाए और ये प्रॉपरली स्टिक हो जाए। सो फ्रेंड्स, अब हमारा बेस बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम इस पे क्रिएट करेंगे टेक्सचर्स एंड डिजाइन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना होममेड मॉड पॉज। उसके लिए आपको लेना है एक बोल में थोड़ा व्हाइट ग्लू या पीवीए ग्लू और उसमें हम इक्वल क्वांटिटी में लगभग वाटर को मिक्स करेंगे। और अब हम लेंगे अपना बेस और इस पे टेक्सचर क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे इस टिश्यू पेपर का। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ये ग्लू और वाटर का मिक्सचर और फिर टिश्यू पेपर को इस पर स्टिक करना है। टिश्यू पेपर स्टिक करने से इस पर एक बेस टेक्सचर क्रिएट होगा। इससे एक रिंकल टेक्सचर क्रिएट होता है और जो पेंट करने के बाद बिल्कुल विंटेज एंड एंटिक लुक देता है। इस पोर्शन पे भी मैं स्टिक कर रही हूँ टिश्यू पेपर ताकि इजीली हम इस पर टेक्सचर क्रिएट कर सकें। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इस बुक की सभी साइड्स को टिश्यू पेपर स्टिक करके कवर कर दिया है और अब हमें इसे पूरी तरह से ड्राई होने देना है। टिश्यू पेपर ड्राई होने के बाद अब नेक्स्ट टेक्सचर क्रिएट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये टेक्सचर पेस्ट। ये मेरा होममेड टेक्सचर पेस्ट है। इसका भी रेसिपी मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले इस तरह से आपको टेक्सचर पेस्ट को थोड़ा स्मूथ करना है ताकि उसमें कोई लम्ब्स ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करेंगे और फिर बुक के जो पेजेस होते हैं उसका टेक्सचर क्रिएट करेंगे। इस पूरे एरिया पे आपको एक थिक लेयर लगाना है टेक्सचर पेस्ट का। टेक्सचर देने से पहले इसे फ्लैट और स्मूथ करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ इस वेस्ट कार्ड का। तो इस तरह का कोई भी फ्लैट ऑब्जेक्ट या फिर स्पैटुला आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और अब इस ब्रश का यूज करके मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगी बिल्कुल फाइन लाइंस जैसे कि बुक्स के पेजेस होते हैं। तो इस तरह से इसके दोनों साइड्स पर ब्रश का यूज करके हमें पेजेस का टेक्सचर क्रिएट करना है। और ये जो पोर्शन हमने ओपन रखा था यहाँ भी हम टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करेंगे।
अब बुक के फ्रंट कवर को डिजाइन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ उसी स्टेंसिल का। इस स्टेंसिल को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लेस करूँगी और यहाँ मैं लगा रही हूँ ये मास्किंग टेप ताकि टेक्सचर पेस्ट लगाते वक्त ये मूव ना हो और मेरा डिज़ाइन स्मज ना हो। अब किसी भी नाइफ या स्पैटुला की हेल्प से यहाँ पर हम टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, आप बिना स्टेंसिल का यूज किए भी डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हैं विद द सिंपल हाउस होल्ड थिंग्स लाइक कॉम, स्पून, फॉक, आइसक्रीम स्टिक्स। इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से हम यहाँ से स्टेंसिल को रिमूव करेंगे। अब टेक्सचर पेस्ट को हमें पूरी तरह से ड्राई होने देना है। ड्राइंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मैं हेयर ड्रायर का यहाँ पे यूज कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए और मैं अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर सकूँ। अब नेक्स्ट डिजाइन क्रिएट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मोल्डेड हेयर ड्रायर क्ले। इसके दोनों पार्ट्स को मिक्स करके मैंने एक स्मूथ डो बनाया है। अब क्ले को हम इस तरह से थिन रोल करेंगे। क्ले को स्टिक करने के लिए यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ व्हाइट ग्लू और फिर क्ले को यहाँ पर स्टिक कर हम डिजाइन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम रैंडम हैंडफुल पैटर्न क्रिएट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसे स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आपको क्ले की रैंडम फोल्ड्स क्रिएट करना है और उन्हें मर्ज करना है टू मेक अ ब्यूटीफुल पैटर्न। जॉइंट्स को यहाँ पे मर्ज करने के लिए हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और फिर उसे फिंगर से मर्ज करेंगे और ये जो फोल्ड्स हैं इन्हें भी हम यहाँ थोड़ा थोड़ा शेप देते जाएंगे। यहाँ पर क्ले को कट करने के लिए मैं नाइफ या किसी भी टूल का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसे मुझे एक रस्टिक एंड विंटेज लुक देना है, उसके लिए इसे हमें रफली हैंड से ही कट करना है और इस तरह से इसके साइड्स पर हम थोड़े थोड़े फोल्ड्स क्रिएट करेंगे। फोल्ड्स को आपको किस पैटर्न में यहाँ पर अरेंज करना है इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सो आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से यहाँ पर फोल्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि क्ले की जो जॉइंट्स हैं उन्हें हमें अच्छे से मर्ज करना है ताकि वो विजिबल ना हो। अब यहाँ पे मैंने कट किए हैं इस तरह से क्ले के दो लॉन्ग स्ट्रिप्स और फिर इन्हें हम स्टिक करेंगे बुक के इस वाले पोर्शन पर, जैसे कि बुक की बाइंडिंग होती है ये उसका इफेक्ट देंगे। और यहाँ पर हम लगाएंगे दो छोटे छोटे क्ले के डॉट्स, इससे एक विंटेज एंड एंटिक लुक इसमें आएगा। यहाँ कॉर्नर को कवर करने के लिए भी मैं यहाँ पर कुछ फोल्ड्स क्रिएट कर रही हूँ और ये बुक का जो ऊपर वाला कॉर्नर है यहाँ भी मैं दो फोल्ड्स क्रिएट करूंगी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं या फिर फोल्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ बैक साइड के कॉर्नर्स पे भी मैंने दोनों साइड पर फोल्ड्स क्रिएट किए हैं। तो अब हमारा डिजाइनिंग पार्ट भी कंप्लीट हो गया है और अब हमें क्ले को कम से कम 4 से 5 घंटे ड्राई होने के लिए रखना है और अब हम इस पे स्टार्ट करेंगे पेंटिंग। तो सबसे पहले इस पोर्शन पर विंटेज पेपर का लुक देने के लिए मैं यहाँ पर ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा येलो कलर मिक्स किया है जिससे कि यहाँ पर ओल्ड एंड येलोइश पेपर का लुक आएगा और इसके अंदर वाले पोर्शन पे भी मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर अप्लाई किया है। अब सेकेंड शेड जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो है डार्क ब्राउन कलर जिसे मैं यहाँ बुक के बेस एरिए पे अप्लाई करूँगी। तो क्ले वाला डिजाइनिंग पार्ट को छोड़कर इस पूरी बुक को हम ब्राउन कलर से, डार्क ब्राउन कलर से पेंट करेंगे। यहाँ फोल्ड्स के अंदर की साइड जो गैप्स हैं वहाँ आपको अच्छे से डार्क ब्राउन कलर से पेंट करना है और इसकी सभी साइड एजेस को एंड बैक साइड एरिया को भी हम डार्क ब्राउन कलर से पेंट करेंगे। पेंट को हमें बहुत इवनली यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, इसे हम थोड़ा रफली पेंट करेंगे
ताकि इसमें एक रस्टिक लुक आएगा। इस डार्क ब्राउन शेड के साथ सेकंड शेड जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था वो है पेस्टल सी ग्रीन कलर, जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था विद न्यू कलर कॉम्बिनेशन, पर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब मैं इसे पेंट कर रही हूँ टर्कोइज ब्लू कलर से। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें नए नए कलर कॉम्बिनेशंस एंड डिज़ाइंस को ट्राई करते रहना चाहिए, बिकॉज आर्ट एंड क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू कलर्स एंड क्रिएटिंग न्यू डिज़ाइंस। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने क्ले के सभी फोल्ड्स को टर्कोइज ब्लू कलर से पेंट किया है। अब टेक्सचर्स को हाईलाइट करने से पहले यहाँ मैं कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा टचअप। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लू पेंट आ गया है, तो उसे हम टचअप करके फिनिशिंग टच देंगे। अब हाइलाइटिंग के लिए फर्स्ट शेड जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वह है कॉपर मेटालिक पेंट, और इस बार ब्रश का यूज़ नहीं करके मैं यूज़ करूँगी सॉफ्ट स्पॉन्ज का टू हाईलाइट द टेक्सचर्स। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा पेंट स्पंज में लेना है और फिर यहाँ पर हाईलाइट करना है। जिस तरह की हम ड्राई ब्रश टेक्निक यूज़ करते हैं उसी तरह से हमें स्पंज को भी बिल्कुल ड्राई रखना है, उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा पेंट आपको एक साथ यहाँ पर नहीं यूज़ करना है। बिल्कुल लाइट हैंड से हमें यहाँ पर स्पंज से हाईलाइट करना है, और ये जो क्ले के फोल्ड्स हमने क्रिएट किए थे बुक की सभी एजेस पर और ये जो बेस एरिया है यहाँ सभी जगह हम ब्रॉन्ज कलर से हाईलाइट करेंगे, जिससे कि इसमें एक ओल्ड एंड एजेड लुक आएगा। और अब हाइलाइटिंग के लिए सेकंड शेड जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो है गोल्डन मेटालिक पेंट। इसे भी हम सेम वे में स्पंज से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बुक की सभी साइड्स को हम गोल्डन पेंट से हाईलाइट करेंगे, और जो हमारा क्ले वाला डिज़ाइन है उसके सभी फोल्ड्स को भी हम गोल्डन पेंट से हाईलाइट करेंगे। और यहाँ पर हम बिल्कुल लाइट हैंड से गोल्डन पेंट अप्लाई करेंगे, और अब आप देखेंगे कि ये जो फ्लावर का डिज़ाइन है उसका जो टेक्स्चर है वो हाईलाइट होने लगा है। तो इस तरह से हम बुक की सभी एजेस को और फोल्ड्स को गोल्डन पेंट से हाईलाइट करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो आर्ट टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं ये आप किसी भी आर्ट वर्क में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इससे बॉटल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इस तरह का डिज़ाइन आप टिश्यू बॉक्स या ज्वेलरी बॉक्स पर भी क्रिएट कर सकते हैं। सो देयर आर मैनी वेज कि आप क्रिएटिव तरीके से इन आर्ट टेक्निक्स को डिफरेंट आर्ट वर्क्स में यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा हाइलाइटिंग पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, बट अभी इसमें एक फाइनल एम्बेलिशमेंट बाकी है। तो मेरे पास इस तरह के कुछ मेटल चार्म्स हैं, तो मैं देखती हूँ कि इनमें से कौन सा हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक दिस वन इज़ परफेक्ट। तो इस लीफ डिज़ाइन को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, और इसे स्टिक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी हॉट ग्लू का, और फिर इसे मैं यहाँ पर क्ले वाले पोर्शन पर स्टिक कर दूंगी, एंड फाइनली इसे भी थोड़ा सा गोल्डन पेंट अप्लाई करके मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो इस तरह के कोई भी डेकोरेटिव चार्म्स या फ्लावर्स या लीव्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अब ये हमारा बुक फ्लावर वास बिल्कुल रेडी है। आप इसमें इस तरह से कुछ पेबल स्टोन्स डालकर इसमें फ्लावर स्टिक्स भी लगा सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसे अपने लिविंग रूम या स्टडी रूम में ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हैं। तो है ना ये बिल्कुल यूनिक होम डेकोर आइडिया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी इस यूनिक फ्लावर वास को बनाने का जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड यूनिक आर्ट एंड क्राफ्ट आइडियाज आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो।